आपको सभी राज्यों के सीएम को तलब किया गया है। जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके सीएम को दिल्ली बुलाया गया है और हार पर अब समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथ संगठन में तमाम बदलाव होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोदी बाजी के सहारे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल सीट जीत ली है, जिसके बाद उन्होंने भोपाल में बीजेपी दफ्तर में उनकी जीत का जश्न मनाया है। इस जश्न में कार्यकर्ता तो शामिल हुए लेकिन दिग्गज नदारद थे। प्रज्ञा ठाकुर का दो दिन में जश्न की दूसरी तस्वीर थी। जब बीजेपी दफ्तर में खुशियां मनाने पहुंची तो कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। फूल माला से सजा बीजेपी कार्यालय और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ पटाखों की रौनक के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने पर रहा था। साध्वी की जीत को बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी जश्न में शामिल होने वाले थे, लेकिन दोनों ही नहीं आए। यहां तक कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी समारोह से दूरी बनाए रखी। बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, इसमें शामिल नहीं हो सकते। शोभित जीवन लोग जीने चले आ रहे थे, गरीब जीवन जीने चले आ रहे थे, उससे उबर पाए हैं। और वास्तव में इस चुनाव में इससे तो हो गया कि मोदी जी का जो विजन है, जो राष्ट्र धर्म है, उसमें अपनी जनता की क्या भूमिका होती है और प्रत्येक व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक मतदाता की क्या भूमिका होती है, वो इस बार के चुनाव में व्यक्त हो गया है। देश के शीर्ष हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, इनके जो नेतृत्व में देश ने जो प्रगति की है और प्रत्येक जगह के प्रतिनिधित्व में जो प्रगति की है 5 वर्षों में, उसका ये प्रतिफल है कि इतने अच्छे और इतने अधिक विश्वास के साथ मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और इस बार कहा कि सबका विश्वास। इस सबके विश्वास को लेकर के वो जो चल रहे हैं, हम सब सैनिक बनकर के काम करेंगे और देश को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर।